तो भाई दोस्तों, यहाँ पर जो आज की वीडियो में एप्लीकेशन यहाँ पर आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ भाई, यहाँ पर बहुत ही शानदार लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है भाई। जो आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आपको जो लोन प्रोवाइड करवा रही है एप्लीकेशन भाई, यहाँ पर आपको 2500 रुपये से लेकर दोस्तों आपको 1 लाख रुपये तक आपको यहाँ पर इंस्टेंट का इंस्टेंट आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवा रही है। अगर भाई आपको यहाँ पर ज़रूरत है पैसे की, आपको नीड है, आप लेना चाहते हो इंस्टेंट पर्सनल लोन, तो भाई ये एप्लीकेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि भाई आपको यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, और भाई यहाँ पर आपको जो लिमिट दी जाती है आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। और भाई साथ ही साथ दोस्तों एप्लीकेशन यहाँ पर RBI और NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। जो भाई आपको यहाँ पर टर्नओवर मिलता है वो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर टर्नओवर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन बहुत ही शानदार होने वाली है भाई। एप्लीकेशन का दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है भाई, बहुत ही शानदार इसका यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। यानी कि दोस्तों आपको 3 से 4 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद में जो भी आपकी लिमिट होगी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर KYC से लेकर और भाई आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक आपको दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन बहुत ही शानदार होने वाली है, एकदम न्यू लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। जो भाई मेरे को इस लोन एप्लीकेशन से यहाँ पर लिमिट देखने को मिली है, 54,000 रुपये की लिमिट देखने को मिल चुकी है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। हम बात करें इसकी यहाँ पर टर्नओवर की, तो भाई यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन से दोस्तों यहाँ पर 6 महीनों का यहाँ पर टर्नओवर मिल चुका है। बात करें अगर दोस्तों हम इसकी यहाँ पर EMI की, तो भाई यहाँ पर जो EMI होने वाली है मेरी 9,866 रुपये की मेरी यहाँ पर EMI होने वाली है। जो भाई यहाँ पर फाइनल अमाउंट जो मेरे बैंकों में ट्रांसफर किया जाएगा 52,920 रुपये का मेरे बैंकों में ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट। यहाँ पर दोस्तों पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कैसे दोस्तों आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको एप्लीकेशन यहाँ पर मिलने वाली है, पूरा प्रोसेस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लाइक कर देना। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने दोस्तों एप्लीकेशन का यहाँ पर अबाउट सेक्शन ओपन कर लिया है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। जो भाई आपको यहाँ पर इंस्टेंट लोन दिया जाता है वो दोस्तों यहाँ पर क्विक आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है, नो डॉक्यूमेंटेशन के यहाँ पर साथ में आपको यहाँ पर लोन मिलता है। और भाई जो आपको यहाँ पर अमाउंट मिलता है वो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों हम इसकी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो भाई यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 12% से लेके दोस्तों आपका 36% तक आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। हम दोस्तों इसकी बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन में जो आपको यहाँ पर दोस्तों लिमिट दी जाती है फर्स्ट टाइम में 2500 रुपये से लेके दोस्तों आपको 1 लाख रुपये तक आपको यहाँ पर इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको यहाँ पर लिमिट दी जाती है। हम दोस्तों बात करें इसकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की, तो भाई यहाँ पर 1% से लेके दोस्तों 3% तक आपके ऊपर दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे उसके ऊपर दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कितने लिमिट आपको मिलने वाली है और कितने रुपए की आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। थोड़ी बहुत ही दोस्तों इसकी यहाँ पर GST लगने वाली है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर जब आपको लिमिट मिलेगी तब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। जो भाई आपको यहाँ पर लोन अमाउंट दिया जाता है 2500 रुपये से लेकर दोस्तों 1 लाख रुपये तक आपको यहाँ पर लोन का अमाउंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम है आपके पास में सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए, इसके अलावा दोस्तों कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे करके दोस्तों आपको यहाँ पर लिमिट मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों मैं एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ और भाई लाइव प्रूफ आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे ही दोस्तों आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे फर्स्ट टाइम में आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एप्लीकेशन में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर होगा वो, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर कर दिया है फिल। उसके बाद में दोस्तों नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर एक OTP आपके नंबर पर सेंड किया गया है। OTP दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर OTP वेरीफाई करवा लेता हूँ, उसके बाद में दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर एक KYC मेरे को यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। KYC वो होगी कि आपको यहाँ पर पैन कार्ड लगने वाला है और भाई आपका यहाँ पर आधार कार्ड लगने वाला है। वो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर करके नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी उसको कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आपकी एक KYC होगी। जैसे KYC होती है
जो भी आपका दोस्तों यहाँ पर सिविल स्कोर होता है वो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर सबमिट पर ओटीपी पर मैंने यहाँ पर कर दिया है क्लिक, और भाई मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाल दिया, अपना यहाँ पर पैन कार्ड मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। जैसे ही फिल करते हो दोस्तों यहाँ पर ऐसा आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा, जो भी आपका सिविल स्कोर होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका नाम आ जाएगा, कॉन्स्टेलेशन यहाँ पर जो भी आपका नेम होगा वो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, और भाई जो भी आपकी लिमिट है वो दोस्तों यहाँ पर अपलोड होने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। इसके बाद में जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करोगे, नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अप्लाई पर, जैसे आप क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम में दोस्तों आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में ऐसा इंटरफेस आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके पास में तीन लिमिट मेरे पास में यहाँ पर ओपन होके आई है, जैसे कि यहाँ पर पहली लिमिट जो मेरी होने वाली है 5,000 रुपये की होने वाली है, जिसकी जो प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है 500 रुपये की यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, जो EMI होने वाली है 1831 रुपये की यहाँ पर EMI होने वाली है। हम दोस्तों बात करें इसकी यहाँ पर सेकेंड लिमिट की, जो मेरे को यहाँ पर मिली है इस लोन एप्लीकेशन से, 54,000 रुपये की लिमिट मेरे को यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 54,000 रुपये की लिमिट है, और भाई यहाँ पर 1,080 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, 9,886 रुपये आपके यहाँ पर जो भी आपकी EMI होने वाली है वो होने वाली है। इन दोनों में से दोस्तों यहाँ पर किसी भी लिमिट को दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। जो भाई आपके यहाँ पर सेकेंड लिमिट होने वाली है, जो आपके यहाँ पर सेकेंड लिमिट ओपन होकर आएगी, वो दोस्तों आपके पास में यहाँ पर 84,000 रुपये की यहाँ पर सेकेंड लिमिट आपके पास में यहाँ पर ओपन होकर आएगी। वो दोस्तों मैं जब भी मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगी वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के बता दूंगा। तो भाई ये दोस्तों हम बात करें इसकी यहाँ पर, भाई मैं जो लिमिट लेना चाहता हूँ वो भाई मैं यहाँ पर गेट लोन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, जो भी आप लिमिट लेना चाहते हो, जैसे कि ये लेना चाहते हो या फिर ये लेना चाहते हो। जो भाई मेरे केस में दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाली लिमिट लेना चाहता हूँ, तो भाई यहाँ पर गेट लोन पर क्लिक करूँगा और भाई मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिमिट का यहाँ पर लिमिट आ चुकी है, जो भी मेरे को लिमिट मिली है वो जैसा कि यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देख पा रहे होंगे 54,000 रुपये की लिमिट आ चुकी है। यहाँ पर मेरा टर्नओवर हो चुका है, जो भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो मेरी यहाँ पर EMI हो चुकी है, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस हो चुकी है, और भाई जो फाइनल अमाउंट जो मेरे बैंकों में ट्रांसफर किया जाएगा वो यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, की फैक्ट स्टेटमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और भाई आपके पास में एक एग्रीमेंट सेंड किया जाएगा, वो दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, वो भी दोस्तों यहाँ पर डिजिटली। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई करवा लेते हो आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर सब कुछ इसका कंप्लीट कर लिया है, भाई मैंने यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया है, और भाई मैंने यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर लोन का अपलोड मिल चुका है, लोन सबमिट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है, KYC मैंने दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट करवा ली है, ई मैंडेट दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट करवा लिया है, एग्रीमेंट भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा लिया है। जो दोस्तों मैंने यहाँ पर ई मैंडेट मैंने यहाँ पर अभी यहाँ पर फिल किया है, जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है उसमें दोस्तों अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत समय लग सकता है, जैसे ही समय लगेगा जैसे ही कंप्लीट होगा जो भी आपकी लिमिट होगी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जो भी आपकी लिमिट होगी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी सब कुछ पूरा प्रूफ यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि लोन अमाउंट यहाँ पर 54,000 रुपये का होने वाला है, जो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया अमाउंट 52,920 रुपये का आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक दिन के अंदर, एक दिन वैसे नहीं लगता है, 1 से 2 घंटे के अंदर आपके जो भी बैंक अकाउंट होता है उसमें पैसा पहुँच जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा, आपके यहाँ पर बैंक की डिटेल आ जाएगी, और भाई ऊपर की साइड में यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। अगर भाई आपकी जो लिमिट है आपके बैंकों में ट्रांसफर नहीं होती है, तो भाई यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कॉलिंग नंबर दे रखे हैं, इन पर दोस्तों कॉलिंग करके आप यहाँ पर पता कर सकते हो कि भाई जो हमारी लिमिट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं की गई। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी एप्लीकेशन होने वाली है, बहुत ही शानदार लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। भाई अगर बात करें दोस्तों मैं एप्लीकेशन की, तो भाई यहाँ पर एप्लीकेशन का जो नाम होने वाला है फ्रेंड लोन एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है, जो भाई यहाँ पर इसकी यहाँ पर NBFC होने वाली है, संपत्ति क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड इसकी यहाँ पर NBFC होने वाली है, बहुत ही शानदार लोन एप्लीकेशन होने वाली है, ट्रस्टेड लोन यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। अगर भाई आपको नीड है, पैसों की आपको ज़रूरत है और भाई आप लोन लेना चाहते हो, तो भाई ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। एक बार दोस्तों इसमें ट्राई करके जरूर देखें, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ना कुछ लिमिट देखने को मिल जाएगी। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के टेक केयर, बाय।